शनिवार को जिस तरह से दहशत गर्दों ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की और उसके बाद उसे नाकाम किया हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने, किस तरह से आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। यह है हिंद की सेना का ताकत, यह है भारतीय सुरक्षा बलों की ताकत कि अगर देश के किसी भी दुश्मन ने भारत की भूमि पर नापाक नजर डालने की कोशिश की तो उसे जहन्नुम के लिए रवाना कर दिया जाएगा। शनिवार को दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए एक साथ तीन अलग अलग हिस्सों में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने न केवल इन तीनों वारदातों को नाकाम कर दिया बल्कि छह आतंकियों को ढेर कर भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। रामबन में तीन दहशतगर्दों ने एक घर में घुसकर एक बुजुर्ग को बंधक बना लिया। इसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकियों का लोकेशन चेक करने के लिए बाकायदा ड्रोन की मदद ली गई। इसके साथ ही दहशतगर्दों को सरेंडर करने के लिए भी कहा गया। वी ट्राइड टू कि उसको परस्यू किया जाए सरेंडर के लिए एंड दे इनिशियली टोल्ड कि हम कर देंगे, लेकिन फाइनली उसका मोटो था डिले करना, तो उस डिले को देखते हुए हम लोगों ने एसएसपी रामबन ने उनको अलर्ट किया 15 मिनट के अंदर आप सरेंडर करोगे तो ठीक है नहीं तो विल टेक एक्शन। अकॉर्डिंगली वी टूक एक्शन एंड इट वाज अ क्वाइट क्लीन एंड नीट एंड क्लीन ऑपरेशन। लेकिन जब आतंकी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हुए तो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। दोनों ओर से लगातार फायरिंग के बाद तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। तीन आतंकवादी मारे गए हैं, जो होस्टेज उन्होंने बनाया हुआ था उसको सुरक्षित बचा लिया गया है। दो पुलिस वालों को जख्म आया है और एक फौज के जवान की डेथ हुई है। ऑपरेशन ओवर हो चुका है। शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उसमें जाहिद उसामा और हारून है। रामबन के अलावा दहशतगर्दों ने कश्मीर के गांदरबल में भी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने यहां भी आतंकियों की साजिश को जमींदोज कर दिया। यहां आतंकी वारदात करने की कोशिश कर रहे तीन आतंकियों को घेरने के बाद एनकाउंटर में सेना ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। श्रीनगर में आतंक की एक और साजिश नाकाम हुई। श्रीनगर में पेट्रोलिंग कर रहे सुरक्षा बलों के जवानों पर ग्रेनेड अटैक किया गया। जवाब में जवानों ने काउंटर फायर करने पर आतंकी जान बचाकर भाग खड़े हुए। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल इलाके में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर में तीन मिलिटेंट्स मारे गए। वहीं श्रीनगर के नवाकदल इलाके में मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक ग्रेनेड फेंका जिसमें कोई भी जो वहां पर लोग थे वो जख्मी नहीं हुए। जानकारों का कहना है कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अभी तक वो संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान के संबोधन का इंतजार कर रहा था और अब वो इमरान की धमकी के मुताबिक कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने की कोशिश में। धीरे जैसे जैसे स्थायी समझ आ रही थी तो हालात जो है वो बदलना शुरू हो गए थे। LOC के ऊपर फायरिंग भी तेज हो गई थी और जैसा आज 27 सितंबर के अगले दिन आप देख रहे हैं कि दो जगह पे एनकाउंटर हो रहे हैं, एक कश्मीर के अंदर और एक बटोत। इससे साफ जाहिर है कि जो गतिविधियां हैं वो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहा है ताकि कश्मीर मसले पर पूरी दुनिया में हुई उसकी बेइज्जती का बदला ले सके, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल उसकी किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। रामबन से शुभम और जम्मू से शाहनवाज खान के साथ द्रिस्लो, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर।